पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की चपेट में है। हर कोई इस कोरोना से लड़ रहा है और इस बीच आम इंसान ही नहीं बल्कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इस कोरोना से लड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले बाहुबली के कटप्पा कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे और इसकी खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। सत्यराज, जिन्होंने बाहुबली में कटप्पा का रोल निभाकर पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई, उनके करोड़ों प्रशंसक हैं और ऐसे में उनका अस्पताल में भर्ती किया जाना उनके प्रशंसकों के लिए एक बुरी खबर थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि सत्यराज ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। सत्यराज के बेटे सिबी सत्यराज ने ट्विटर पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। सिबी ने लिखा है कि अप्पा को कल रात को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो अब बिल्कुल ठीक हैं और कुछ दिन आराम करके फिर से काम पर लौट आएंगे। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। इतना ही नहीं, सिबी ने एक अन्य पोस्ट के जरिए फैंस को ये भी बताया कि सत्यराज फिलहाल किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं है। अगर वो किसी प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो उसका ब्लू टिक होगा, इसलिए फैंस किसी भी ऐसे अकाउंट को ब्लॉक कर दें जो सत्यराज होने का दावा करता है। सत्यराज ने 1978 में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। उन्हें तमिल सिनेमा का सुपरस्टार कहा जाता है। सत्यराज ने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। वो फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण के पिता और डॉन का किरदार भी निभाते हुए नजर आए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।